परसेंट उसे दिक्कत है। देख सकते हैं ये इसका बाहर निकला हुआ है इतना पोर्शन है ना, और इस नीचे वाले पांव में भी दिख रहा है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ में पंकज है, 20 साल का है। सर राजस्थान पिलानी से। पिलानी, अच्छा पिलानी से। यस सर, पिलानी। ओके वेरी गुड। और इसके साथ में वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समझने वाली बात है कि 20 साल का लड़का है, और कब से दिक्कत हो रही है तुम्हें? सर 16 का था जब। 16 साल, यानी कि 16 साल की उम्र से इसको दिक्कत हो रही है। दिक्कत शायद कुछ एक्सीडेंट की वजह से चल रही है ना। हमें इसके फीट का असेसमेंट करना है ताकि ये भी समझ पाए कि इसके कहीं पाँव की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, और अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बताओ क्या दिक्कत थी और फिर मैं आगे बताऊंगा। वो जब मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से टेल में टेलबोन कॉक्सिक एरिया जो बोलते हैं वहाँ पे पेन हुआ। फिर उसके बाद में इलाज मैंने नहीं कराया तो पेरेंट्स को भी नहीं बताया, लेकिन उसके एक दो साल बाद में जब दर्द स्टार्ट हुआ तब मैंने MRI कराई, तब पता चला कि उसके अंदर डिस्क वज जो स्लिप डिस्क जो होती है वो बता रखी थी। तो फिर उसकी उस टाइम तक तो इतना पेन नहीं था, लेकिन फिर आफ्टर 12th क्लास 2-3 साल बाद में धीरे धीरे पेन जो है वो पैरों में जाने लगे, जिसकी वजह से अभी मेरी स्टडी में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो ऑफकोर्स इसको डिस्क बल्ज है L4-L5 पे, जो इसकी MRI रिपोर्ट बता रही है। इसको सेक्रलाइजेशन भी है, इसको दोनों पाँव में रेडिएशन भी है। रेडिएशन बहुत सारे लोग जो नहीं समझते होंगे उनके लिए बता दूं कि कमर से जो नसें निकलती हैं जब उनमें कोई भी दर्द जाता है वो टांगों तक नीचे जाता है, टांगों में। तो इसके भी दोनों टांगों में दर्द जाने लगा है। ये भी काफी टाइम से हो रहा है? ये सर अभी एक दो साल से हो रहा है। कोई दवाई ले रहे हो उसके लिए? सर एक बार ली थी सर, कहा लेकिन उससे जब दवाई ली थी तब तक आराम था, लेकिन उसके बाद में सर नहीं हुआ। उसके बाद आराम नहीं था। और ये यहाँ रनिंग वगैरह में दिक्कत होती है सर, जैसे रनिंग करते हैं तो कुछ टाइम तक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में बैठता हूँ तो सर हिप में थोड़ा सा पेन होने लग जाता है। हाँ, इसको बैक में हिप्स के आसपास भी दर्द है। और अब तुम यहाँ पे NCC कैंप के लिए आए, तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होती है? नहीं सर इतनी तो नहीं होती, लेकिन सर बैठता हूँ तो सर ज्यादा दिक्कत होती है। अभी हमने इसके पाँव का असेसमेंट नहीं किया है, वो भी चेक कर लेंगे कि हो सकता है 16 साल की उम्र में दिक्कत चालू ही इसकी पैर की वजह से हुई हो, और इसका पैर ठीक कर देंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब मैं इसका एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। इसकी स्टोरी आपने सुन ली है, और क्योंकि ये 19-20 साल का है उसको ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ना हो, ये बहुत ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, और देखते हैं कि इसकी और ज़्यादा क्या हेल्प कर सकते हैं। और लेटर चश्मा नहीं करो, और घर पे बता के आयो, यहाँ पे आ जाओ। यस राइट, लेटर उल्टा ले लेंगे। तो हमने ये भी देखा है व्यूअर्स कि बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं, पेरेंट्स को छुपा के आते हैं क्योंकि वो बार बार उनको बता नहीं सकते कहाँ इलाज के लिए जा रहे हैं। खासतौर से बहुत सारे इंडियंस फैमिली समझती नहीं है कायरोप्रैक्टिक क्या होती है, राइट? बट तेरे पेरेंट्स कैसे एग्री कर गए? अच्छा इजी। मैं थोड़ा सा इम्बैलेंस देख रहा हूँ, इसकी राइट साइड की जो मसल्स हैं थोड़ी सी टाइट है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं है। वाइट शोल्डर्स हैं, वाइट चेस्ट है पीछे से। इजी करेंगे, नाइस करवट ले लेंगे मेरी तरफ। सो एथलेटिक लड़का है, नीचे वाला पैर सीधा। इजी, एक और। ओके नाइस, उस तरफ। देख सकते हैं ये इसका बाहर निकला हुआ है इतना पोर्शन है ना, और इस नीचे वाले पांव में भी दिख रहा है। तो अभी आप देखिए कि नॉर्मल एक्सेस होता है 15-20 डिग्री कांटेक्ट में होने चाहिए, आपके इतने कांटेक्ट में नहीं है, तो आपके जो है ये बढ़ रहे हैं जो कि इस फेज में आप आ रहे हैं। ये क्या करते हैं नॉर्मल आर्चेस हमारे बॉडी में क्या वर्क करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर को वर्क करते हैं। नॉर्मल फुट कैसे चलता है ऐसे करके, राइट? और जिसकी पैरों में दिक्कत आती है दैट मीन्स जिसके पाँव में ये कंडीशन आती है या फिर ये कंडीशन आती है, वो ऐसे ना चल के वो अपना हिप को स्लाइटली टिल्ट करके फिर चलेगा, ठीक है? तो अभी आपका ये है,
आपके आज जो जो स्पेस है वो बढ़ चुका है, तो अभी आपको क्या होगा, स्टैंडिंग में, रनिंग में, वॉकिंग में यू विल फील सम डिफिकल्टीज, ठीक है? आपको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में भी डिफिकल्टी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये डिफ़िकल्टी स्टार्ट होनी हो जाएगी इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी कि आपको कुछ पॉइंट्स पे पेन आना शुरू हो जाएगा, जैसे लो बैक पेन, अपर बैक पेन, सब इसको आ रहे ये सारी चीजें वो चार साल से सब कर रहे पोस्चर शुड बी लाइक दिस, हमारा पोस्चर ऐसा होगा, हमारे को किसी साइड पे कोई पेन नहीं होगा, कहीं भी हमारा पेल्विक टिल्ट नहीं करेगा, शोल्डर डेविएट नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट पे कोई पेन नहीं आएगा, दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड पोस्चर, राइट? ये न्यूट्रल है। अभी आप देखिए, मैंने अभी आपके फोटोज क्लिक किए एक स्टैंडिंग में, वॉकिंग में और करेक्शन में, कि हम इसको कितना करेक्ट कर सकते हैं। पहली पिक्चर स्टैंडिंग में है, स्टैंडिंग में आप देखिए कि जब आप खड़े होते हैं तो आपके जो एंकल्स हैं वो अंदर की तरफ डेविएट हो रहे हैं, ठीक है? तो जब ये अंदर की तरफ डेविएट हो, जब पोस्चर ऐसा होगा तो हमारे को अल्टीमेटली कुछ कुछ पॉइंट्स पे पेन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि आपकी भी कंडीशन सेम ही है, आपका भी दोनों पैरों में, आप बस ये प्रॉब्लम है इसमें एक में रेडिएट हो रहा है, आपको दोनों पैरों में रेडिएट हो रहा था, ठीक है? तो आपको ये दोनों पैरों में रेडिएट हो रहा है, आपको लो बैक पेन है, अपर बैक पेन है, सर्वाइकल इश्यूज हैं, यू हैव ऑल दीज डिफिकल्टीज। सो अभी आपका राइट नाउ योर पोस्चर इज लाइक दिस, मे बी मोर सीवियर। बात करते हैं वॉकिंग में, जब आप वॉक करते हैं तो आपका और ज़्यादा दिक्कत होती है, आपके एंकल्स और ज़्यादा अंदर की तरफ डेविएट हो रहे हैं, इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अब बात करते हैं करेक्शन की, कि जब एक करेक्शन हम एक आपको एक आज प्रोवाइड करेंगे तब आपके बैव में कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मतलब हम पेशेंट्स को एक इंसोल्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइज इंसोल्स, आर्टिफिशियल इंसोल्स, जो वो अपने शूज़ के अंदर पहनते हैं, और फिर उसके बाद चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं पाँव में। अभी आप देखिए कि पहला आपका वॉकिंग में था, पहला स्टैंडिंग में था, देन वॉकिंग, देन करेक्शन, कितना ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, जो आपकी एंकल्स अंदर की तरह डेविएट हो रही थी, अब वो अंदर की तरह डेविएट ना होके उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया तो वो एकदम सीधी हो गई है। समझ आया पल्ले? यस सर, यस। क्यों दिक्कत हो रही है वो समझ आ रहा है, है ना? बाकी सब लोग बैक पैक करने, बट बैक पे प्रेशर आने के कुछ कारण होते हैं, जब जो आदमी पूरे पांव, यानी कि पंकज का आप देखें ध्यान से, तो पंकज का पांव इस तरह से नीचे एंकल पूरा मुड़ता है चलते समय, उसका जो डायनेमिक फेज है, चलने का फेज है, वो इतना ज्यादा खराब है, उसी की वजह से बैक पे सारी दिक्कतें आती हैं। यानी कि हम कोई भी और चीजें करने से पहले या कोई चीज करने से पहले पंकज को यही एडवाइस करेंगे कि वो इंसोल पहनना चालू कर दे, क्योंकि एक तो दर्द और जो प्रॉब्लम है, वरना एक और चीज नहीं खड़ी हो जाएगी आने वाले टाइम में, इसके दोनों ही पांव अंदर की तरफ गिरने लग जाएंगे। तो हमें फ्यूचर भी बचाना है इसका, और प्रेजेंट भी अच्छा करना है ताकि वो दिक्कत ना हो। तो ट्रीटमेंट तो क्योंकि ये यहीं पे कुछ दिनों के लिए है, तो हम 5 दिन का ही ट्रीटमेंट इसको बोला है करने के लिए, बट ये अपने घर पे बात करके इंसोल भी कस्टमाइज करा लेना। तो जैसे आज मैं आया तो काफी अच्छा लगा, जैसे क्योंकि 4 साल से मेरे को ये लग रहा था कि मेरे इंजरी है, लेकिन द करेक्ट थिंग है कि मेरे जो पैर में जो एक एंगल होता है, जिसे हम फुट पैर होते हैं, एक हाई आर्च होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंडरस्टूड मिला उसको, तो उस हिसाब से अगर मैं उसको थोड़ा वर्क करूँगा तो शायद जल्दी में सही होगा। उसको इंसोल से ही ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से, किसी चीज से ठीक नहीं करेंगे तभी तो पांव अंदर ही पड़ेगा। यस सर, यस, है ना? सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी इसी तरह की कोई दिक्कत है और आप कई सालों से परेशान हैं और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज हमारे पास जरूर आएँ, अपना असेसमेंट कराएं, अपना चेकअप कराएं, कम से कम दवाइयाँ ना खानी पड़े और किसी सर्जरी की तरफ ना जानी पड़े। Thanks for watching this video.